मेरी पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है हर किसी से. Someone is a sexual predator, he is a sexual predator. But come. लोग वो बिग बॉस में गया है इसलिए उसके पीछे हाथ धोके नहा धोके पीछे पड़े हैं पब्लिसिटी स्टंट के लिए, पब्लिसिटी पाने के लिए. ऐसे लोगों को चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए. Shame on them. उसको जीने दो प्लीज, आप लोग उसको जीने दो. क्यों पहले कोई आवाज नहीं उठाया? बिग बॉस में गया, बिग बॉस में वो हाईलाइट हो रहा है, इसलिए बहती गंगा में लोग हाथ धोना चाहते हैं. देखिए मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि वो गुनहगार है या बेगुनाह है, मुझे नहीं पता है. सही है, 4 साल उसने काम नहीं किया तो उसको उसकी अगर कोई इंसान सजा भी भुगतता है तो वो कैदी हो जाता है, उसको जेल में डाल देते. उसकी सजा भुगत के जब बाहर आ जाता है तो वो गुनहगार नहीं रहता. तो आई डोंट थिंक सो कि अभी साजिद खान गुनहगार है, क्योंकि 4 साल की सजा वो भुगत चुका है. किसी ने उसके साथ काम नहीं किया, ना कोई फिल्म बनाई ना कुछ. मुझे ऐसा लगता है कि लोग वो बिग बॉस में गया है इसलिए उसके पीछे हाथ धोके नहा धोके पीछे पड़े हैं पब्लिसिटी स्टंट के लिए, पब्लिसिटी पाने के लिए. ऐसे लोगों को चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए. शेम ऑन देम कि एक बंदा 4 साल की जेल काट के भी घर में रहकर भी किसी ने काम नहीं किया तो वो अपनी नई शुरुआत करने जा रहा है बिग बॉस में. तो उसको अपनी जिंदगी की शुरुआत करने देनी चाहिए. सुबह का भूला शाम को आता है, माफी मांगता है, तो उसको और मरने की कगार पर उसको नफरत करके उसको दर बदर नहीं करना चाहिए. ये इतने ही समाज के ठेकेदार है तो ये जो रेट है वो खुलेआम घूम रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों का करते हैं, चोरी करते हैं, मर्डर करते हैं. ये समाज के ठेकेदारों को बोलो कि जाके उनको पकड़े, एक बंदे को ना पकड़े, है ना. ये जानबूझ के पब्लिसिटी स्टंट करना चाहते हैं. साजिद खान मेरा कोई नहीं लगता, बट एक इंसानियत के नाते उस बंदा आत्मा उसके पहले उसको जिंदगी जी लेने दो यार, वरना वो बंदा आत्मा करेगा. अगर देश की तरफ से उसको इतनी नफरत मिलेगी बंदा आत्मा कर लेगा यार. अगर आप लोग सब लोग मिलके उसको इतनी नफरत करोगे तो उसको जीने दो प्लीज, आप लोग उसको जीने दो. 4 साल वो साजिद खान 4 साल जो है वो सजा भुगत चुका है, किसी ने उसके साथ काम नहीं किया है. अब वो अपनी जिंदगी को आजमाने के लिए बिग बॉस गया है और बिग बॉस ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल लोगों को ही लेते हैं. अगर मैं बिग बॉस में गई तो मैं साजिद खान से सचमुच सच सच सवाल पूछूंगी, क्या उसने सचमुच ऐसा किया है या नहीं, कि उस पर सिर्फ इल्जाम लगाए गए हैं. प्लीज आप उसे बख्श दो, उसको नई जिंदगी जीने दो, वरना एक बंदा सबके प्रेशर में आके आत्महत्या कर लेगा.